मोहम्मद फरहान मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। मोमिन है आप? मतलब था बट हूँ नहीं प्रेजेंट टाइम लाइन में। कब तक मोमिन थे आप? अगर 2023 चल रहा है, कोरोना कोरोना दो हाँ 2020 के लास्ट में मैं छोड़ दिया मैंने, छोड़ अच्छा, दिया उससे दो पहले हजार नमाजें पढ़ते थे? वही नॉर्मल मुस्लिम वाला जुमे की पढ़ लिया, वरना रमजान का, रमजान में 30 टाइम पूरा 5 वक्ता और पूरा रोजा रखना, और फिर नमाज खत्म, रमजान खत्म होने के बाद फिर नॉर्मल लाइफ अपना, कॉलेज स्कूल यही सब में रहता अच्छा, कोई सूरह वगैरह सुना सकते हैं आप? था। जैसे कि हाँ, जो नमाज में सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, बहुत पहले मैं पढ़ता था ना तो थोड़ा यार, हाँ, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। और कलमे इसके बाद वाले, फिर क्या फिर पढ़ते हैं? इसके बाद कोई सूरे पढ़ते हैं, फिर पहला सजदा आ जाता है। वो मुझे नमाज छोड़े हुए एटलीस्ट दो दो ढाई साल हो गया है ना, कोई तो सूरा पढ़ के सुनाओ इसके अलावा। हाँ, कुल हुव अल्लाह अहद, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके बाद क्या करते हैं? ये दो सूरा पढ़ने के बाद क्या करते हैं? सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, सॉरी रुकू करते हैं, हाँ, देन सजदा करते हैं, दो बार सजदा करते हैं, देन वापस आते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, फिर कोई दूसरी सूरे पढ़ते हैं, फिर रुकू करके फिर सजदा करते हैं। और सजदा करने के बाद अगर आपकी 2 रकात की नमाज है, फॉर एग्जाम्पल फजर में, तो आप क्या क्या किया जाता है, जो दोनों कंधे की तरफ देखा जाता है, सलाम फेरना। सलाम हाँ, करते। वो मैं छोड़ चलिए, पास हो गए, चुका पास हो गए, पास हो गए, पास हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, के लिए गुलाब भेज दो। हाँ भाई, अब बताओ कि क्या बोलना चाहते हैं आप। मैं बोलना ये चाह रहा था सर, मैंने आज आज ही आपकी वीडियो देखी है, मतलब आज ही आपका चैनल जाना है एक्चुअली। इससे पहले मैं जफर हेरेटिक्स एक्स मुस्लिम का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा, मतलब लिटरली उनकी जितनी भी पुरानी वीडियो है मैं उनको देख रहा हूँ। और आपने जब ये स्ट्रीम चालू की थी, मुझे, मैंने कभी किसी भी यूट्यूबर की कभी स्ट्रीम नहीं ज्वाइन की थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ज्वाइन कैसे करूँ। फिर बाद में मुझे नियरली 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग गया खाली आपकी स्ट्रीम में ज्वाइन होने के लिए, और मैं अब आया हूँ और आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जी जी जैसे कहिए। अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लोग मुझे कहते हैं कि तुम क्या हो, तुम अल्लाह पे यकीन नहीं करते हो, और तो तुम क्या हो, तुम एथिस्ट हो? मैं कहता हूँ नहीं, मैं एथिस्ट भी नहीं हूँ, क्योंकि लेकिन उससे मुझे पहले नहीं। ये बताओ कि आपने इस्लाम छोड़ा क्यों? अगर 2020 में आपने छोड़ दिया तो कुछ वजह रही होगी ना, जिसकी बुनियाद पे आपने छोड़ा। देखिए, बुनियाद तो बचपन से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं आई लव साइंस और मैं इस वक्त बीएससी कर रहा हूँ, और मैं माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और अच्छा स्टूडेंट हूँ। तो ओके। साइंस और कुरान बहुत एक दूसरे के अपोजिट है, जस्ट लाइक नॉर्थ एंड साउथ ना, ओके। दोनों को एक साथ लाना नियरली इम्पॉसिबल है। और जब कोई फेक साइंस निकालता है ना, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, बहुत सी उल्टी सीधी बातें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बॉडी पे स्पर्म रिब से निकलता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, एडम को अल्लाह ने सॉइल से बनाया, मिट्टी से बनाया, लेकिन उनकी वाइफ को बनाने के लिए उनके पास मिट्टी खत्म हो गई, तब उनकी हड्डी निकाल ली, वाह वाह वाह। और ऐसे भी बहुत सारी, मतलब घर में सवाल सवाल करता था, तो आपको तो पता ही है इस्लाम में अकल का दखल मना है, जो जी कहा जाए चुपचाप से सुन लीजिए। तो फिर धीरे धीरे हुआ, बट फिर 2020 में जब कोरोना आया था सर, तो मेरी एक्चुअली फियर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कोविड की वजह से, क्योंकि काफी लोगों की डेथ हो रही थी, तो उसकी वजह से मेरे ब्रेन में एक डिजीज होती है, साइकेटिक डिजीज हुई है, बहुत रेयर लोगों में होती है, खासकर बॉयज में, वो मुझे हो गई। और नियरली 2020 से 2022 तक मुझे 24 आवर्स पूरी बॉडी में पेन होता था, बहुत होता था, बहुत पेन होता था। मैं हर वक्त मतलब अल्लाह से, मतलब पहले तो मेडिसिन ली गई और जांच करवाई गई, कुछ नहीं निकला, 6 महीना इसमें चला गया। फिर उसके बाद जानते ही हैं, जब कुछ नहीं निकलता तो घर वाले पुराने सोच के हैं, तो भूत चिंचना चुड़ैल परी वरी क्या क्या, उस सब के चक्कर में मतलब बहुत पैसा वक्त मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ। फिर भी मैंने हार नहीं मानी थी, तब भी मेरे अंदर थोड़ा ईमान था,
मैं रोज अल्लाह से दुआ करता था कि मुझे डेथ मिल जाए, बट वो भी मुझे हम्म, नहीं मिली। तो नियरली 1.5 साल पार हो गया था, मेरी लाइफ का गोल्डन पीरियड था, जिस टाइम पे मेरे सभी फ्रेंड्स अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे लाइफ में, कोई अर्निंग कर रहा है, कोई फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। उस टाइम पे मैं एक समझ लीजिए जिंदा लाश की तरह था, और मुझे ये देख के बहुत बुरा लग रहा था। तो मैंने अल्लाह पे से विश्वास छोड़ दिया। फिर मैंने जितने भी गॉड्स हैं, फिर वो हिंदू धर्म के हो, ग्रीक के हो, मिथिकल हो या फिक्शनल हो, कोई भी हो, जिसका भी मैंने कभी नाम सुना हो, मैंने सारे गॉड से रोज रिक्वेस्ट की। इस वक्त जहाँ पे मैं छत पे हूँ, अकेले हूँ, यही जगह मैं 2 साल रिक्वेस्ट की, किसी गॉड ने मुझे ठीक नहीं किया। और इस टाइम मैं सारे गॉड से हेट करता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बस मुझे सारे गॉड से हेट है, सारे के सारे लिटरली। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि जब कोई इंसान या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है तो गॉड कहाँ होता है? क्या वो बैठ के पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का मजा लेता है? सॉरी, फर्स्ट टाइम है तो मैं ज्यादा बोल गया। जी तो अच्छा, लेकिन ये ठीक है, ये आपकी सोच है, और तो आपकी सोच आपके एक्सपीरियंस और आपके पर्सपेक्टिव से हो सकती है, लेकिन आप ये यस बताइए कि आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं या स्टूडेंट है, हाँ माइक्रोबायोलॉजी आपने कहा है, तो ये जो मोमिन डॉक्टर लोग जो पढ़ाई करते हैं, तो इनके भेजे में नहीं बैठता कि भाई हम जो साइंस पढ़ रहे हैं वो एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और कुरान की साइंस जो है या रसूलुल्लाह की जो साइंस है वो एक अलग डायरेक्शन में जा रही है, इनके दिमागों पे क्या ताले लग जाते हैं? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। एक्चुअली ये हुआ कि मैं जब भी साइंस से रिलेटेड बात करता था स्टार्टिंग में, तो पहले तो जब मुझे बीमारी नहीं हुई थी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो लोग मुझे चुप करा देते थे, तब बच्चा भी था, मैं उतना दिमाग नहीं लगाता था। लेकिन मैं इतना पेन झेला हूँ, इतना पेन झेला हूँ कि अब मैं चाहे नमाज पढ़ूँ चाहे ना पढ़ूँ, मेरे फादर पूरी फैमिली ने मुझे अलाउ कर दिया है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, बस किसी से बात नहीं कर सकता। उसकी सिर्फ एक ही वजह है, अगर मैं ये बात आम पब्लिक में करूंगा, इवन मैंने 2-3 बार की है, तो लोग आपसे बात या डिबेट नहीं करते, डायरेक्ट आपको डेथ थ्रेट देते हैं सर, डायरेक्ट डेथ थ्रेट देते हैं। इस वजह से मतलब इवन एक बार तो मैं अपनी फैमिली से ही डर गया था, इवन डायरेक्ट डेथ थ्रेट, गला काट देंगे, जहर दे देंगे, तुम्हारा घर कहाँ है, एड्रेस क्या है, तुम ये बताओ। वो भी सामने एक बंदा लड़ने के लिए नहीं आएगा, मतलब पूरे गैंग में आएंगे और एक इंसान को मार देंगे। और इवन अभी भी मेरी मेडिसिन चल ही रही है। तो हाँ, जैसा आपने कहा कि इनके दिमाग पे ताला लगा होता है, ताला नहीं होता सर, वो पूरी एक सील पैक होती है और उसको कोई खोल नहीं सकता है। तो नहीं, पूरी खोल नहीं सील सकता, ऐसा नहीं है, जैसे आपका खुला, जैसे मेरा खुला, और अभी नहीं, जो मेरा बचपन का था, स्टार्टिंग में मेरा बचपन नहीं, जो मोमिन हो जाते हैं, मतलब मोमिन का मतलब है आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, गलत है, जान रहे हैं, लेकिन मानेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको पता है इस्लाम में 72 हूर, क्या मैं थोड़ा सा अब्यूजिव वर्ड यूज कर सकता हूँ अगर आप अलाउ दें? हाँ, अभी वर्ड को थोड़े अच्छे अंदाज में बोलिए ताकि आपकी बात भी रह जाए और ज्यादा वो भी नहीं लगे। ठीक है, तो इस्लाम में मेन टारगेट मेल्स को किया गया है, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि जन्नत में उन्हें 72 चूत, ओ सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है 72 हूर मिलेंगी। क्योंकि उस टाइम पे जो मेल्स हुआ करते थे वो फीमेल को इतना ज्यादा डोमिनेंट करते थे कि गुलाम बनाना या पैदा होते ही मार देना। तो भाई रसूल अल्लाह साहब ने सोचा, अगर मैं हर मेल को ही कंट्रोल कर लूंगा तो ऑटोमेटिक फीमेल कंट्रोल हो जाएंगी, फीमेल कंट्रोल तो भाई के बच्चे भी कंट्रोल। और इस तरह इस्लाम है ना, बहुत बहुत बच्चों का गेम है, बहुत बच्चों का गेम है। और मैंने जफर साहब की काफी, मतलब हेरेटिक साहब की काफी वीडियो देखी, उन्होंने उसमें काफी बताया कि उन्होंने आयशा से कैसे शादी की और अपनी ही मतलब मुंह बोली बहू से कैसे शादी करी। मतलब उनकी वीडियो देखने के बाद मुझे घिन आती है कि मेरे इस नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ है, मैं इस चीज को मतलब डिलीट भी नहीं कर सकता। वो आधार कार्ड और मेरी 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट में मुझे ये नाम से ही नफरत है। नहीं, आप अरे चेंज करवा लो नाम। देखो, क्या वो मैं सोच कोई ना कोई तरीका होगा, आप नाम चेंज करवा लो, इतनी और सोचो ना कि नाम ही नहीं। मेरे लिए तो एक अच्छा है, देखो मेरा मेरे लिए एक ये है कि
कि जो मेरा ओरिजिनल नाम है निसार, और जो मैंने ये नाम सेलेक्ट किया है, मैं कहीं भी जाता हूं जहां पे गाने चलते हैं ना, सर, तो एक ना एक गाना जरूर आता है जिसमें ये दो में से मेरा एक नाम रहता है। ओह हाँ देखो, जितने भी गानों में अगर नाम आए हैं ना, तो उसमें मोस्टली ये दो नाम आपको मिलेंगे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? हाँ तो मेरा तो ठीक है, अपना नाम ऐसा कुछ वो नहीं है, तो लेकिन आपको अगर पसंद नहीं है तो आप अपना नाम चेंज करवा लो, ठीक है? देखिए, एक होता है पसंद, एक होता है उससे नीचे हेट, उस और एक होता है डिस्गस्टिंग, एंड दिस इज द फकिंग डिस्गस्टिंग। मतलब इसको सुनने मेरे दिमाग में रेप, मर्डर, स्लेवरी, चाइल्ड अब्यूज, हाँ क्या नहीं आ जाते एक सेकेंड में। और सही मेरे बात कई मेरा एक दोस्त था, मतलब है, मिले, वो भी बहुत बड़ा है। मोमिन है। मैंने उसको लॉजिकल बात बताई तो उसने कहा कि नहीं, तुम गलत हो। काफी महीनों तक बात चली, फिर उसके बाद मैंने उसका दिमाग परखने के लिए मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं यार, मैं भटक गया था, मुझे शैतान ने भटका दिया था, मैं वापस से मोमिन बनना चाहता हूँ। तो फिर उसने कहा, अच्छा हुआ यार तुम सही हो गए, वरना मैं किसी दिन तुम्हें घेर के बहुत ज्यादा मारता, इतना मारता कि शायद तुम उठ नहीं पाते। चलिए चलिए, तो मोहम्मद फरहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी, और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप 3 साल पहले ही इस झंझाल से बाहर निकले। अपना ख्याल रखिए खुद, और लाइफ जो है खुल के जिए, और जो भी हमारी मनोकामना रहेगी कि जो भी आपको प्रॉब्लम है, डिजीज है आपकी, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आप अपनी लाइफ एक अच्छे तरीके से गुजारे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।